जैसे कृष्ण बुद्ध है। हमें डॉक्टर धीरज भाई मारुठी नो इंट्रोडक्शन आप करो छो। डॉक्टर धीरज भाई मारुठी मूल राजस्थान ना छे। एमनो जन्म अने परवरिश राजस्थान ना गाम नोखा मा थयेल। बीकानेर मेडिकल कॉलेज थी एमने एमबीबीएस कर्यो अने यूके थी एमसीएच ऑर्थो थया। 2007-08 दरमियान यूएस मा राणावत फेलोशिप थी सम्मानित थया अने 2008-09 मा यूके थी एमसीएच ऑर्थो नी डिग्री मेळवी। 15,000 થી પણ વધારે ની એન્ડ હિપ રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી કરવાવાળા કરવાનું શ્રેય એમને જાય છે। કેટી ઢોલકિયા એવોર્ડ, એસપીએમસી ગૌરવ એવોર્ડ, પીપીએફ અચીવર્સ એવોર્ડ, બેસ્ટ ટીચિંગ ફેકલ્ટી એવોર્ડ જેવા અનેક એવોર્ડથી સન્માનિત થનાર ડૉક્ટર ધીરજ મારોઠી સાધુ સંતો માટે ખાસ ફ્રી સર્જરી કરી આપે છે। તો એવા મહાનુભાવ વ્યક્તિ શ્રી ડોક્ટર શ્રી ધીરજભાઈ મારોઠીનો આપણે સ્વાગત કરીએ। જીવાએ તરફથી હું ધીરજભાઈ મારોઠીનો સ્વાગત કરું છું। આપનો ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે સાહેબ। થેન્ક યુ કેતનભાઈ। શુડ આઈ સ્ટાર્ટ ઓર ભી કોઈ બોલને વાલે હૈ આપકે સ્પીકર્સ? આઈ થિંક યુ કેન સ્ટાર્ટ। सबसे पहले गुजरात युवा एसोसिएशन चेन्नई को मैं बहुत बहुत साधुवाद के मेरे को आज इनवाइट किया एज ए स्पीकर और ऑल वर्किंग कमेटी प्रेसिडेंट निमेश भाई, सिद्धार्थ भाई इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट, मुकेश भाई पटेल, रितेश भाई दोषी सेक्रेटरी ट्रेजरर, मनोज भी पटेल, मुकेश भाई जॉइंट ट्रेजरर, केतन बी शाह जॉइंट सेक्रेटरी एंड हेमांग भाई स्टिल ही इज बिजी, ही इज ए पीआरओ ऑफ कमेटी एंड ऑल कमेटी मेंबर्स, मैं सबका स्वागत और महेश भाई का भी जो जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया है सारा उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर उदय व्यास जो मेरे साथ टीम में हैं उन्होंने ये सारा अरेंज किया है। थैंक्स टू ऑल। स्लाइड शो आपको विजिबल है? यस यस। तो अगेन थैंक्स टू गुजरात यूथ एसोसिएशन एंड गुजरात समाज चेन्नई। आज हम बात करेंगे हाउ वी कैन प्रिवेंट द जॉइंट आर्थराइटिस, हाउ वी कैन रिड्यूस द स्ट्रेस बाय लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। माय प्रेजेंटेशन इज इन फोर पार्ट्स। वी विल डिस्कस फर्स्ट हाउ वी कैन रिड्यूस द स्ट्रेस एंड how we can modify our lifestyle and reduce the joint pain and backache. Then we will discuss about arthritis treatment. Then after and last 15 minutes for interview session where we will take the question answer session. पहले स्ट्रेस के लिए मैं बात करूंगा तो लो वाइब्रेंट एरियाज हैं। अभी का जो पीरियड है पेंडेमिक लास्ट 6 मंथ्स निकल चुके हैं, स्टिल न्यूज और बाकी जगह नेगेटिविटी दे रही है, उसको हमें रोकना है। रोकना कैसे है कि हमें उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है ताकि अपने मेंटल और फिजिकल फटिकनेस नहीं आना चाहिए, ताकि अपनी वाइब्रेंस लेवल हाई रहे। ये इसलिए जरूरी है कि कभी भी पेंडेमिक होती है तो हमारा इम्यूनिटी लेवल अच्छा होना चाहिए। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर कम होना चाहिए। तो ये सबसे जरूरी चीज है जो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम ज्यादा समय टेलीविजन के सामने न्यूज चैनल के सामने नहीं बैठे। हमें लो वाइब्रेंट एरिया लाइक हॉस्पिटल, असिस्टेंस सेंटर्स, जेल, बार, कैसिनो, फ्यूनरल, ऐसी जगह पे मिनिमम विजिट करना चाहिए। सेकंड, हमें ये जो रेगुलर न्यूज में आता है फियर ऑफ सेकंड वेव, ये वो, हमें इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जो फैक्टर्स है लाइक डिप्रेशन ट्रिगर, जो हमें अभी ट्रिगर कर रहा है एंजाइटी को, वो उसमें एक हमारा जो थायराइड का लेवल है, यदि हमारा थायराइड लेवल सही है, हमारा विटामिन B12 लेवल सही है। यूजुअली फीमेल्स में अराउंड 45-50 की एज में
पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज टाइम में हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से मूड स्विंग होता है। फीमेल्स हैं वो की पर्सन है फैमिली में, मेन रोल है उनका, वो पूरी फैमिली को कंट्रोल कर सकती है क्योंकि इस पेंडेमिक में इकोनॉमिकली एवरीबडी इज अफेक्टेड। और जिन लोगों को डायबिटीज है उनको ये ध्यान रखना है कि उनकी डायबिटीज अंडर कंट्रोल रहे, अप डाउन ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि उनकी स्लीप डिस्टरबेंस नहीं हो। फूड टाइमली लें, खाना उनको बराबर लेना है, समय से लेना है, ये बहुत दीज आर द मेन फैक्टर जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ता है। लाइफ ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसी हो गई है, सब लोग अपने अपने वर्क प्लेसेस पे जाने लगे हैं, लेकिन हमें स्टिल मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और गवर्नमेंट की गाइडलाइन फॉलो करना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, अभी हम जिस फेज में आ गए हैं वहां पे फियर को दूर करना है, हमें अब डरना नहीं है, नॉर्मलेसी में जाना है। तो क्या क्या चीजें हमें हेल्प कर सकती है जो अपन वाइब्रेंट हाई लेवल पे, वाइब्रेंट हाई में जैसे स्माइलिंग, लाफिंग, ब्लेसिंग, थैंकिंग, प्लेइंग, हेल्पिंग, एंड यू कैन डू योर हॉबीज लाइक पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, मेडिटेट, योगा। ये सबसे जरूरी चीज है, आपको एवरी मेंबर शुड स्पेंड मिनिमम 10 मिनट्स फॉर योगा एंड मेडिटेशन। योगा एंड मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिससे आपकी इम्यूनिटी नॉट ओनली मेंटली फिजिकली भी अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ देती है। तो हमें सबसे जरूरी चीज है इन ऑल द कम्युनिटी, चाहे स्वामीनारायण हो, चाहे जैन कम्युनिटी हो, चाहे स्थानक हो, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी रिलीजन हो, सबसे दे स्टार्ट फर्स्ट फ्रॉम द ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसमें बहुत ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, बहुत ईजी है, गहरा सांस लेना है और उसको वॉच करना है और धीरे धीरे रिलीज करना है। दैट्स द ओनली वे यू कैन कंट्रोल योर ब्रीदिंग। और इस पेंडेमिक में, कोविड के टाइम में, सबसे पहले अफेक्ट भी लंग्स होते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि लंग्स पे अफेक्ट आता है तो हमारे को लंग्स की एक्सरसाइज सबसे ज्यादा करनी है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे हम सबसे ज्यादा कंट्रोल करेंगे। और इसके लिए कुछ भी आपको बहुत कहीं कुछ एनालाइज नहीं करना है, धीरे 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 हमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है और उस पे अपने श्वास की प्रक्रिया को देखना है। जब हम वॉच करते हैं तो ये मेडिटेशन का पार्ट आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो हमें सांस लेते हुए उसको वॉच करना है, सांस अंदर गई, अंदर बाहर आई, उसको सिर्फ हमें वॉच करना है। वैसे ही कैसे हम इस टाइम को अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं, अनदर थिंग इज योगिक क्रियाएं। योगिक क्रियाएं हम आराम से कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ये चीजों को हमें 10 से 15 मिनट हमारे बॉडी में इन्वॉल्व करना है, अपनी लाइफ स्टाइल में इन्वॉल्वमेंट करना है। काफी लोग स्टिल दे आर डूइंग जॉब फ्रॉम होम, तो काफी समय मिलता है तो वो अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उनको फ्री नहीं रहना है, इवन सीनियर सिटीजन है जिन रिटायर्ड लाइफ है, उनको फ्री नहीं रहना है। उनको एनी टाइम कहीं ना कहीं जो भी चीज आप घर में हेल्प कर सकते हैं उसमें हेल्पिंग एटीट्यूड रखना है कि हमें ये काम नहीं करना, ऐसा नहीं है, ताकि आपका ये टाइम इजीली पास हो सके। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि हमारा टाइम हम इजीली पास कर सकें, वो सबसे जरूरी चीज है। अब आता हूं, जब हम काम घर से कर रहे हैं चाहे ऑफिस से कर रहे हैं, हमारा जो मैक्सिमम प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ पॉस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम, हम लोग आज बच्चे भी, ऑफिस बियरर भी, मैक्सिमम लोग कंप्यूटर, मोबाइल और इसके सामने बैठे रहते हैं। तो हमारा चेयर की पोजीशन क्या होनी चाहिए, हमारा सिटिंग पॉस्चर क्या होना चाहिए, क्या हम सही चेयर पे बैठ के हम क्लासेज अटेंड कर रहे हैं, हमें हमारे बच्चों को भी वॉच करना है। रीजन बिहाइंड इज चाइल्ड बैकएक की प्रॉब्लम लास्ट 10 ईयर से बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये इसका रीजन ये है कि हमारा जो पॉस्चर है
जिस सिटिंग में हम बैठ के लैपटॉप चला रहे हैं, दिन भर ऑफिस में बैठते हैं, हर पर्सन की हाइट सेपरेट है, हाइट डिफरेंट रहती है, चेयर की थिकनेस विड्थ सब उस पर डिपेंड करता है। यदि हम लॉन्ग टाइम पे क्रिकेट मैच देख रहे हैं चाहे मूवी देख रहे हैं, हमें सोफे पे ऐसे बैठ के नहीं देखना है। यदि हम 3 से 4 घंटे इस पोस्चर में बैठ रहे हैं तो हमारे को सर्वाइकल पेन, अपर बैक एक होना कंपलसरी होगा ही होगा। वैसा ही बच्चों के लिए ध्यान रखना है, बच्चों को फूड हैबिट्स। हम लोग क्या करते हैं कि मूवी देख रहे हैं उसी समय बच्चों को फूड वहीं दे दिया। आप देखिए इतना सर्विंग बच्चों के सामने है, तो इसकी वजह से इंडिया में चाइल्ड ओबेसिटी भी बढ़ती जा रही है। तो हमें ये ध्यान रखना है, वी शुड बी स्ट्रिक्ट, डाइनिंग टेबल पे ही मील मिलेगा, टीवी के सामने हमें खाना नहीं मिलेगा। उसकी वजह से क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन है टू वॉच द टीवी, हम उस प्रोग्राम में उस गेम्स में बिजी हैं, तो हमें नहीं समझेगा कि हमने कितनी कैलोरी इंटेक कर ली है। अब आते हैं यहाँ, देखिए इन पोस्चर में ये बैठे हैं तो पूरी की पूरी बैक अनसपोर्टेड है। यदि हमारी बैक अनसपोर्टेड है और हम एक वर्क करके निकलते हैं तो हमारी बैक एक में प्रॉब्लम होने का चांसेस है। सेम हियर, ये लेडी बैठी है, इस लेडी का देखिए देयर इज नो बैक सपोर्ट, इसकी वजह से क्या होगा, इसको बैक एक होने का चांसेस ज्यादा है। तो कौन सा पोस्चर सही है, आप ये देखिए, हिप एट 90 डिग्री, एल्बो एट 120 डिग्री। तो हमारा एल्बो सपोर्ट होना चाहिए, बैक पूरा सपोर्ट होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। विजन के सामने आपका डेस्कटॉप रहना चाहिए और उसके सामने पूरी लाइट आनी चाहिए, ये सारी चीजों का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। अदरवाइज आई की प्रॉब्लम, बैक की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, ये होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। जो चीज हम नहीं चाहते थे वो अब सारी पेंडेमिक में हो रही है। उसका रीजन है कि हम बच्चों को लैपटॉप नहीं अलाउ करते थे, मोबाइल अलाउ नहीं करते थे, अभी सारी क्लासेज भी मोबाइल पे हो रही है। तो लंबे समय तक बच्चे यदि क्लासेज इस पे लेंगे, हम ऑफिस का काम सारा इस पे कर रहे हैं, तो हमें इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अदरवाइज नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स में हमारी ये प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा होगी। तो यहाँ देखेंगे काफी लंबा पर्सन है और चेयर बहुत छोटी है, तो बैक और नी बहुत अनसपोर्टेड है, तो उसकी वजह से नी की प्रॉब्लम भी होगी, बैक की प्रॉब्लम भी होगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कौन से पोस्चर में बैठना है। यहाँ पे देखेंगे इस बच्ची को, देखिए अपर बैक भी अनसपोर्टेड, लोअर बैक भी अनसपोर्टेड। अभी ये क्लासेस लेगी 3-4 घंटे, ना इसका पैर पे नीचे कोई सपोर्ट है। तो मैंने क्या, देखिए यहाँ पे क्या चेंज किया, बच्ची के पैर के नीचे सपोर्ट दिया, हिप्स के नीचे सपोर्ट दिया, पीछे बैक में पूरा सपोर्ट दिया यहाँ पे। अब ये बच्ची को यदि 4 घंटे क्लासेज भी करती है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज इस पोस्चर में यदि ये बच्ची लंबे समय तक बैठती है तो डेफिनेटली उसको बैकएक होने का चांसेस रहेगा। हमें एश्योर करना है बच्चों को इन बिटवीन ये एक्सरसाइज करें। यदि आपके बैक को रेस्ट मिलता है तो बैकएक होने के चांसेस नहीं होगा। तो हमारी बैक अनसपोर्टेड नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से बैक की प्रॉब्लम हमें दूर कर सकते हैं। और ये सिंपल एक्सरसाइज है, अपन बीच बीच में कर सकते हैं। सेम मोबाइल की बात करूं, आपके वर्टिब्री में आपने जो फ्लेक्शन इंजरी होती है, मैक्सिमम हम लेटे लेटे भी देखते हैं तो गर्दन इस पोस्चर में रहती है जो गलत है। तो हमें गर्दन एकदम स्ट्रेट रखनी है। जहां तक हो क्लासेस के टाइम में बच्चों का स्मार्टफोन उसके स्टैंड में रहना चाहिए। हमें मोबाइल स्टैंड परचेज करना है और मोबाइल स्टैंड में ही बच्चे की क्लासेज होनी चाहिए, यदि मोबाइल से बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है। नहीं तो इस फ्लेक्शन इंजरी की वजह से उसमें क्या होता है कि आपके जो गर्दन का वेट है उसका 8 to 9 times मल्टीप्लाई कीजिए, इतना फोर्स या सर्वाइकल वर्टिब्री पे इम्पैक्ट डाल रहा है और उसकी वजह से सर्वाइकल प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। तो हमें इन बिटवीन सर्वाइकल एक्सरसाइजेज, जो कपल ऑफ एक्सरसाइजेज मैं समझाऊंगा, वो एक्सरसाइजेज करना है। अदरवाइज क्या होगा, ये देखिए पूरा का पूरा रेडिएटिंग पेन आने लगा है। यहाँ पेन शुरू हुआ, पेन शुरू होकर फ्रंट में आया, बैक में आया,
ये बिकॉज ऑफ सर्वाइकल। अब इसका पेन यहाँ पे फिंगर्स में आने लग गया, यहाँ देखिए यहाँ तक पेन रेडिएट होने लगा, इट मीन्स रेडिएटिंग अप टू फिंगर एंड थंब, मीन्स स्टेज थ्री तक पहुंच गया है। तो हमें क्या करना है, पोस्चरल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सिंपल सिंपल टिप्स दे रहा हूं, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आप वॉच करेंगे आपका बच्चा है ऐसा नहीं ऐसा रहता है तो गलत है। गुजराती मारवाड़ी में बोलूंगा तो ये कुबड़ बोलते हैं, काइफोटिक डिफॉर्मिटी बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। ये काइफोटिक डिफॉर्मिटी इस बच्ची को होने का चांस है यदि ये इस पोस्चर में रहती है। तो उसका स्ट्रेट पोस्चर ये है, ये मैंने मार्किंग के साथ दिखाया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं केतन भाई आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा बाद में। ये देखिए गर्दन फॉरवर्ड फ्लेक्शन में, गर्दन आगे रहती है, काफी लोगों की आगे रहती है, हम अननोटिस करते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देते, जबकि इसकी गर्दन शोल्डर ईयर हेड तीनों स्ट्रेट रहना चाहिए, एक सीध में रहना चाहिए, लेकिन काफी लोग ऐसे रहते हैं, काफी लोग ऐसे रहते हैं, हमें ये करेक्शन करना है। यदि इसके पीछे कोई पैथोलॉजी है तो हमें कंसल्टेंट से कंसल्ट करना है कि व्हाट इज द एग्जैक्टली प्रॉब्लम बिहाइंड दिस। समटाइम इट्स ओनली पोस्चरल प्रॉब्लम, हेड फॉरवर्ड पोस्चर रहता है और उसकी वजह से होता है, इट्स ए बैड हैबिट नथिंग एल्स, तो हमें उसको करेक्ट करना है। तो ये करेक्टिव है, पोस्चर को हम करेक्ट कर सकते हैं। और सिंपल सिंपल एक्सरसाइज, सर्वाइकल एक्सरसाइज सब जानते हैं, मैंने इसके साथ में एक चिन टक एक्सरसाइज ऐड की है, आपको गर्दन को शुतुरमुर्ग जैसे आगे खींचना है पीछे लेके जाना है। देखिए कैसे, ये ऐसे देखिए गर्दन एकदम सीधी और इतना आगे लाना है और इसको पीछे खींचना है। दूसरी सिंपल एक्सरसाइज, कंधों को उठाना है, 10 तक काउंट करना है, रिलैक्स करना है। तो सिंपल एक्सरसाइजेज जो हम ड्यूरिंग अपने वर्क में कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग से आपको सेपरेट टाइम चाहिए। जो एल्डरली पर्सन है घर में उनको या तो बैठ के बोलिए करेंगे, नहीं तो आप किसी को बोलिए कि हेल्प के साथ में उनको एक्सरसाइज कराएं, क्योंकि कई बार वो ट्रिप हो सकते हैं, गिर सकते हैं वर्टाइगो की वजह से। सर्वाइकल की एक्सरसाइजेज जब भी करते हैं यूजुअली चेयर पे बैठ के करें, नहीं तो कोई किसी का सपोर्ट रहे। ये मैंने दिखा है कि कुछ लोगों को शोल्डर स्टिफ हो जाता है, पता नहीं चलता। ये शोल्डर मूवमेंट आप चेक कर सकते हो कि मेरा हाथ पीछे जाता है या नहीं जाता, और यहाँ से ऐसे पीछे जाता है या नहीं जाता। यदि दोनों जगह आप टच कर पा रहे हो, इट मीन्स आपके शोल्डर का पूरा मूवमेंट है। यदि आप नहीं टच कर पा रहे हो, यदि आपको पेन है, इट मीन्स आपको अभी शोल्डर में स्टिफनेस है, रेस्ट्रिक्शन है। तो हमें क्या करना है, शोल्डर के लिए मैंने दो एक्सरसाइज बताई है। टेबल का सपोर्ट लेके बड़ा सा गोला बनाना है, हाथ से गोला बनाना है बड़ा। और दूसरी एक्सरसाइज है वॉल के सहारे आपको हाथ को ऊपर लेके जाना है, वेरी सिंपल। तो ये शोल्डर की एक्सरसाइज आप शुरू से ही करते रहें, ताकि आपको ये मेनली डायबिटीज लोगों में शोल्डर स्टिफनेस, जिसे हम लोग फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, वो कॉमन है, उसको हमें अवॉइड करना है। अब मेजर प्रॉब्लम हमारी एक और है, वो है पिलो की थिकनेस। आजकल ट्रेंड आ गया बड़े बड़े पिलो, होटल्स में भी वहीं पे हैं, घर पे भी हम वही परचेज करके ले आते हैं, जबकि हमारी इंडियंस की गर्दन उतनी बड़ी नहीं है। तो हम यदि इतना मोटा पिलो लगा रहे हैं तो गलत है, हमारे को क्या करना है, ना इतना पतला पिलो लगाना है ना इतना मोटा। अपनी गर्दन, हर पर्सन की गर्दन की हाइट अलग अलग है, हमारे को उतनी हाइट और उतनी थिकनेस का पिलो लगाना है, इससे ना तो पतला लगाना है ना मोटा लगाना है। दैट इज द वन ऑफ द रीजन कि गर्दन का दर्द होता है, रात भर सो लिए फिर भी गर्दन रिलैक्स नहीं होती, उसका कारण हमारा तकिया है। तो जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है वो अपना तकिया सबसे पहले चेक करें कि कौन से तकिया लगा के सोती हैं। ये एक इम्पोर्टेंट स्लाइड है, हम एवरीबडी विल फेस ऑल द स्टेजेस, बचपन, यंग, मिडल एज और एडवांस एज एल्डर। तो ये हर स्टेज में हमें जाना है, हर बंदा जाएगा इन चारों स्टेज में, आप कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकते। यंग है
वो मिडल एज में जाएगा, फिर चश्मा भी लगेगा, बाल भी सफेद होंगे। फैमिली हिस्ट्री आप चेंज नहीं कर सकते, बढ़ती हुई उम्र हम चेंज नहीं कर सकते। उम्र हर दिन हर पर्सन की बढ़ती रहेगी, बढ़ती हुई उम्र को हम चेंज नहीं कर सकते। हम क्या चेंज कर सकते हैं, वो हमारी लाइफस्टाइल। यदि हम हमारी लाइफस्टाइल में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लें तो शायद हमारी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ में हमें वर्कआउट प्लान करना है। वर्कआउट छोटे छोटे प्लान कीजिए ताकि आप उसको अचीव कर सकें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने क्या वर्किंग ऐसे करना है कि डे वन पे मेरे को अपर बॉडी एक्सरसाइज करनी है, डे टू पे वॉकिंग करना है, डे थ्री पे कार्डियो करना है, डे फोर पे मेरे को एब्स एंड कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है। आज की डेट में आपको सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है मोबाइल पे, आप अपने टारगेट उसमें सेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें सेट करने से आपको अचीवमेंट होगा तो आपको खुशी होगी। तो उस सब के लिए सबसे जरूरी चीज है राइट टाइम पे उठना, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। यदि आप उठे ही नहीं तो कुछ नहीं होगा, कितना ही टारगेट रात को प्लान कर लो लेकिन यदि आप मॉर्निंग में टाइम पे नहीं उठते हो तो सब बेकार है। इवनिंग में पहली रात को ये वर्कआउट एसेंशियल्स सब रेडी करके सोना है। जो भी चीज आपको जिम में जाना है या आपको जुम्बा करना है या कोई भी एरोबिक्स करना है, उसकी जो भी प्रिपरेशन है वो नाइट में करके रखो। ऐप में आप आपके टारगेट डाल सकते हैं, जो आप अचीवेबल टारगेट रखिए, ना कि धीरज मरोठी के कहने से डे वन पे 5 किलोमीटर वॉक करना है और अगले दिन आप बेड पे आ गए, ऐसा नहीं चाहिए। हमें छोटे छोटे टारगेट रखना है। हमें क्या करना है, कोई भी एक्टिविटी आप प्लान कर रहे हैं उससे पहले आपको स्वेट सेशन, मैं हमेशा बोलता हूँ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको कंपल्सरी करना है टू अवॉइड मसल टीयर एंड लिगामेंट इंजरी। हमें कोई भी वर्कआउट करें, चाहे हमें भागना है, चाहे जिम में जाना है, चाहे एरोबिक्स करना है, चाहे जुम्बा करना है, कुछ भी करना है, आप सिंपल याद रखिए 5 सूर्य नमस्कार करके मेरी बॉडी को मैं स्ट्रेच करूंगा। स्ट्रेच करने के बाद में चाहे आप गेम्स खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, लॉन टेनिस खेल रहे हैं, यदि आप 5 बार सूर्य नमस्कार कर लिया है तो आपको इंजरी होने का चांसेस निल हो जाता है। सबसे सिंपल एंड बेस्ट इज वॉकिंग। वॉकिंग के लिए आपको एक अच्छा कंपनी चाहिए, या आपका फ्रेंड है, कलीग है, या आपका पेट है। किसी के साथ में भी आप वॉकिंग करेंगे तो आपको बोरिंग नहीं होगा, आप नियमित वॉक कर पाएंगे। दूसरा, अब हम सब नॉर्मल शॉपिंग भी कर रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमें क्या करना है, लिफ्ट की जगह स्टेयर्स का यूज करना है ताकि हम कैलोरी बर्न कर सकें। ये दीज आर द सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज, वहां आप अपनी कैलोरी बर्न कर सकते हैं। हमें थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर जाना है तो हम वी कैन गो बाय स्टेयर्स, दैट्स इट। तो इसमें दो चीज हुई, हमें हमारी वर्किंग वर्कआउट भी हो गया और हम पहुंच भी गए। योगा की बात करूं, काफी लोगों को अभी क्रॉस लेग सिटिंग में मैं बोर्ड बैठने को बोलता हूं, इवन किड्स को, नाउ इट इज इट्स डिफिकल्ट फॉर देम। व्हाई? बिकॉज हमने हैबिट नहीं डाला, इंडियन कल्चर नहीं है, हम सिटिंग नीचे पलाथी मार के खाना नहीं खाते। तो ये हमारी जो चेंजिंग हो रहा है वेस्टर्नाइजेशन, उसकी वजह से बच्चे भी, पहले तो सिर्फ एल्डरली लोग सिटिंग लोअर सिटिंग नहीं कर सकते थे, अभी बच्चे को इंडियन टॉयलेट में जाना है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। तो रीजन बिहाइंड इज उनकी एडक्टर्स टाइट हो गई है। तो हमें सिंपल बच्चों को ये एक्सरसाइज, जिनको भी प्रॉब्लम है उनको ये एक्सरसाइज सिखानी है। एडक्टर टाइटनेस के लिए ये आपको अपने हाथ से दबाना है, ये हाथ से दबाएंगे तो ये स्ट्रेचिंग होगी धीरे 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 धीरे, ये स्ट्रेचिंग आपको करवानी है। ये ऐसे भी कर सकते हैं, पहले जैसे भी कर सकते हैं। ये स्ट्रेचिंग करने से आपकी अंदर की थाई मसल्स है वो स्ट्रेच होगी।
और एक मेजर प्रॉब्लम है जो मैं, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, इनको मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे चेंज कर सकते हैं। एक हमने मेजर प्रॉब्लम ये हो गई जो बैक और नी के लिए, जो आज की डेट में फीमेल्स में यदि 100 सर्जरी फॉर एग्जांपल करता हूँ तो 70% फीमेल होती है। उसका रीज़न है हमारा कल्चरल, हम किचन के अंदर स्टैंडिंग किचन ले आए, वो हमने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि बैक और नी दोनों अनसपोर्टेड रहते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में किचन में पीपल स्पेंड ओनली 15 to 20 minutes, हमारे 80% टाइम है वो किचन में जाता है फीमेल्स का। उसकी वजह से मैंने इसका सॉल्यूशन यहाँ दिया है, ये चेयर, इसे बार चेयर बोलते हैं, यू कैन कीप इन द किचन ऑलवेज। हमें क्या करना है, फीमेल्स को जो लोग भी यहाँ अवेलेबल हैं उनको बताना है कि आपको उतनी देर ही खड़ा रहना है जितनी देर आप बर्नर पे काम करती हैं, रेस्ट ऑफ द टाइम आपको बैक और नी को रेस्ट में देना है। रेस्ट देने के लिए आप नीचे भी बैठ सकते हैं, नहीं तो ये चेयर का यूज कर सकते हैं। बैक अनसपोर्टेड रहता है, नी अनसपोर्टेड रहता है, वी आर यूजिंग नी लाइक ए पिलर, तो उसकी वजह से नी की आर्थराइटिस, नी की प्रॉब्लम फीमेल्स में अराउंड 45 में शुरू हो जाती है। फिर लोग डॉक्टर्स को, सर्जन को, बाकी लोगों को ब्लेम करते हैं कि इतनी अर्ली एज में आर्थराइटिक के लिए ये सर्जरी एडवाइज कर दी। वी हैव टू चेंज अवर लाइफ स्टाइल, देन वी कैन प्रिवेंट द आर्थराइटिस और डिले द आर्थराइटिस प्रोग्रेस। एक और प्रॉब्लम है, वो है मोटापा, ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से नी का, बैक का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, वी ऑल नो। अभी उसके लिए जैसे ही बोलेंगे, हर आदमी यही बोलता है, मैं तो 2 chapati सुबह 2 chapati शाम को खाता हूँ। ऐसा नहीं है, आप जितना भी खाना खाएं आप उसको 5 times में डिवाइड करें। इसके लिए मैं आई एम नॉट अ डाइटिशियन, लेकिन मैं आपको 4-5 slides इसके लिए डाली है कि आप कैसे डाइट हैबिट अपनी चेंज कर सकते हैं। डाइट हैबिट के लिए अपने को प्लान करना पड़ेगा कि हमें कैलरी कितनी बर्न करनी है, कितनी कैलरी आपको रिक्वायर्ड है। एक नॉर्मल पर्सन के लिए 1400 से लेके 1800 किलो कैलरी पर डे रिक्वायरमेंट है। हमें क्या करना है, ये स्लाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किस लिए, हमें ये शुगर को हटा देना है, तो मोटापा का 50% काम हो गया। वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, जैगरी, गुड़ और शहद, इन सब चीजों को, हाई कैलरी होती है इसमें, हाई लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हमें ये सब चीज अवॉइड करना है। लेकिन सबसे पहले वाइट शुगर को हमें हमारे इसमें से, फूड में से निकाल देना है, तो काफी कुछ आपका कंट्रोल हो जाता है कैलरीज का। दूसरी हम एक बैड हैबिट होगी, फूड मेन मील से पहले स्टार्टर्स, ये स्टार्टर आपको उतनी कैलरी देगा जो इतना आपका पूरे मील में कैलरीज की जरूरत है। तो हमें एक प्रिंसिपल बनाना है कि हमें स्टार्टर लेना ही नहीं, जहां पे भी खाना खाने जाएं या घर पे कोई भी गेस्ट आए उसको स्टार्टर नहीं देना है। इतनी कैलरी आपने दे दी, मतलब उसको एक मील जितनी कैलरी तो आपने ऑलरेडी दे दी पहले ही बिफोर मील। तो हमें ये सब जो बैड हैबिट्स बोलो या अपने संस्कार बोलो या व्यवहार बोलो उसमें डाल दिया है, उसकी वजह से आधी प्रॉब्लम होगी। तो हमें ये चीजें, हमारे का ये स्टेप्स निकाल देना है। नो स्नैक्स, नो जंक फूड, नो फास्ट फूड, ये हम देने से और इनको मिनिमाइज करना है। यदि आपको वेट पे कंट्रोल करना है, ओबेसिटी पे कंट्रोल करना है, प्रॉब्लम यहाँ तक हो रही है कि हमारे चाइल्ड ओबेसिटी भी बहुत बढ़ने लगी है, बच्चों में ओबेसिटी आने लगी है, उसकी वजह से उसकी सारी की सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उसकी पूरी की पूरी लाइफ में डिफिकल्टी आ जाती है उसकी वजह से। तो हमें पहले से ही समझना है, बच्चे को वार्न करना है कि ये ओबेसिटी आपके, ओवरवेट आपका काम का नहीं है। तो हमें क्या करना है, स्नैक्स अवॉइड करना है, जंक फूड, फास्ट फूड, मैं स्टॉप करने को बोलूंगा तो सब मेरे से नाराज हो जाएंगे। नंबर ऑफ क्वांटिटी डिक्रीज कर दीजिए, नंबर ऑफ टाइम ऑर्डर डिक्रीज कर दीजिए, तो ऐसा करेंगे तो ही हैबिट में आपके आएगा।
अब ये नेक्स्ट स्लाइड है वो जो लोग डायबिटिक है उनके लिए भी है और नॉर्मल में भी आप ये मैक्सिमम यूज करेंगे तो आपके लिए हेल्दी फूड है और ये चीजें हम रेगुलर अपने मील में इंक्लूड कर सकते हैं। ये मैंने एक डायबिटिक डाइट चार्ट भी दिखाया है जिसमें अराउंड 1600 किलो कैलोरी पर डे आपका है, तो इसको मैंने 5 में डिवाइड करके दिखाया है। ये सब आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। तो जो चाइल्ड ओबेसिटी है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक हम क्या होता है, बच्चों को चॉकलेट्स दे दिया, केक दे दी और पेस्ट्रीज दे दिया, ये सब चीजें ओबेसिटी ओवरवेट बढ़ाता है और इनका टेस्ट की वजह से बच्चों की डिमांड्स भी होती है, आइसक्रीम है, कोक है, कुछ भी हम कुछ न कुछ दे देते हैं और उसकी वजह से वो कैलोरीज है वो बर्न करने के लिए बच्चों की उतनी आउटडोर एक्टिविटीज नाउअडेज नहीं हो रही है और बच्चे कर भी नहीं रहे। तो हमें क्या करना है, इनकी क्वांटिटी बढ़ा देनी है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स है, तो ये हम बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली उसका अपने को फायदा मिलेगा। नॉर्मल डाइट है, ये मैंने डाइट पर प्लान दिया है, आप ये आप कर सकते हैं, इनको अवॉइड करना है जंक फूड को। इंटरमिटेंट फास्टिंग, काफी लोग जैन हैं तो उन लोगों को तो मालूम है सनसेट से पहले हम लोग खाते थे और सुबह सनराइज के बाद में 2 घंटे बाद खाते हैं, तो जैनिज्म में हम लोगों को मालूम है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग नाउअडेज डाइटिशियन लोग इनको एडवाइज कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज है, आप लोग कर सकते हैं सनसेट से। कीटो डाइट डिपेंडिंग ऑन द पर्सन्स रिक्वायरमेंट, इसमें लो कैलरी हाई फैट डाइट का कॉन्सेप्ट है, ये भी आप किसी एक्सपर्ट से पूछ के आप शुरू कर सकते हैं जिनको ओबेसिटी है। अब आते हैं एक और मेजर प्रॉब्लम है, वो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम, जो जीआई की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, उसमें मैक्सिमम वाटर का रोल रहता है। तो हमें हमारी सोसाइटी में जो पानी आता है उस वाटर का टीडीएस चेक करना है और टीडीएस के अनुसार आपको फिल्टर लगाना है। कंपनी विल सजेस्ट यू कि विच फिल्टर इज रिक्वायर्ड फॉर योर कॉरपोरेशन योर सोसाइटी, तो हमें बहुत ध्यान करके वो ही फिल्टर लगाना है। एल्कलाइन वाटर का कॉन्सेप्ट नाउअडेज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इसमें पीएच ज्यादा है, डेफिनेटली इट्स ए गुड फॉर हेल्थ। तो एल्कलाइन वाटर हम धीरे धीरे हमारी डेली रूटीन में इंटेक बढ़ा सकते हैं। दूसरा, वेजिटेरियंस में हमारे मेजर प्रॉब्लम B12 के बाद में D3 कम होने का रीजन है कि सन एक्सपोजर किसी को होता नहीं है नाउअडेज, तो हमें 15 टू 20 मिनट्स सन एक्सपोजर स्किन को मिलना जरूरी है। सनलाइट में हमें नेचुरल विटामिन D3 मिलता है और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हम लोग ले सकते हैं, वेजिटेरियन से मशरूम ले सकते हैं, तो हमें विटामिन D3 के लिए सनबाथ कंपलसरी अपने को 15 से 20 मिनट जब भी किसी भी समय में। क्वेश्चन आता है सुबह का सनलाइट लेना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, 15-20 मिनट आप कभी भी सनलाइट ले। अब हम आते हैं बात करते हैं कि भाई मेरा जो प्रेजेंटेशन का स्लोगन है वो है लाइफ इज मूवमेंट, मूवमेंट इज लाइफ, इट्स ओनली पॉसिबल विद द हेल्दी जॉइंट। वेट बियरिंग जॉइंट आपका यदि अच्छा नहीं है, मैं कितना ही बोलूंगा वॉकिंग करो, कैसे करेंगे, नी आर्थराइटिस है तो नहीं हो सकता, हिप आर्थराइटिस है तो नहीं हो सकता, एंकल प्रॉब्लम है तो नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है, इन चीजों को हेल्दी रखने, तीनों जॉइंट को हेल्दी रखने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना है व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। इट्स डेफिनेशन इज इट्स ए कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस एंड मोस्ट कॉमन जॉइंट डिजीज। हम सबको मालूम है घसारा गुजराती में बोलते हैं, जो घसारा है वो गर्दन में भी हो सकता है, बैक में भी हो सकता है, हिप में भी हो सकता है, नी में भी हो सकता है, फिंगर्स में भी हो सकता है। मेनली फीमेल्स में मैंने बोला ये ज्यादा होता है, उसका कारण हम डिस्कस कर चुके हैं और इसके रेमेडीज भी हम नेक्स्ट कपल ऑफ स्लाइड में डिस्कस करेंगे। फीमेल्स को क्या क्या ध्यान रखना है और मेल्स को भी ये चीजें ध्यान रखनी है, वो उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वन ऑफ द रीजन, और इस घसारे को कैसे कम किया जा सकता है, यदि हमारे को नी प्रॉब्लम है, ग्रोइन में पेन है या बैकएक है,
मेरा हमेशा ऐसा कहना है, यदि शुरुआत में ही आपको प्रॉब्लम है उसी समय आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए। उससे क्या है, आपको मेडिकल रेमेडी मिल जाती है, नॉट हर टाइम सर्जरी ही इज रिक्वायर्ड है। तो हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज और मेडिकल ट्रीटमेंट। यदि आपका इम्बेलेंस हो रहा है, वॉकिंग कर रहे हैं और आप इम्बेलेंस है, लिंपिंग कर रहे हैं, तो हमें रूल आउट कर लेना है व्हाई इट इज, ड्यू टू स्पाइन, हिप और नी जॉइंट। यदि जहां पे भी प्रॉब्लम है उसको पहले से देख लेना है। जैसे नी की बात करूं तो नी के तीन कंपार्टमेंट रहते हैं। यदि एक कंपार्टमेंट डैमेज है तो वहां टोटल नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग कभी भी यहाँ यदि इतना सा प्रॉब्लम है लेकिन हम डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते हैं, हम कब करते हैं, जब ये यहाँ थर्ड स्टेज में नी पूरा का पूरा घसारा आ गया, उसके बाद में हम डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर हम ब्लेम ये करते हैं कि नो 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 नो, एवरीबडी इज नाउ एडवाइजिंग सर्जरी। अरे सर्जरी क्यों, पहले आप इस स्टेज में आते तो हम उसको रेमेडी भी दे सकते थे। वैसा ही सेम हिप और बैक के लिए है। बैक में प्रॉब्लम है, बैक का घसारा है, हमें उसी समय टारगेट करना है विच एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड, विच फिजियो इज रिक्वायर्ड, तो हमें उसी समय शुरू कर देना है। यदि ओवरवेट है तो ओवरवेट है तो उसको पे टारगेट करना है। यदि कोई पोस्चरल प्रॉब्लम है तो उसके वजह से करना है। तो कहने का मीनिंग है, जो भी कॉज है बिहाइंड द प्रॉब्लम, हमें उसको ट्रेस करके उसका रेमेडी लेना है। नी की बात करें तो हमें एक गुड क्वालिटी का स्टैंडिंग में एक्सरे चाहिए होता है। एक्सरे ही कंपल्सरी है, वो एक्सरे आने से हम बता सकते हैं कि कौन सी स्टेज है और इस स्टेज का क्या ट्रीटमेंट है। तो ये आप लोग चेन्नई में बैठे हैं तो धीरज मरोटी को आप व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप का नंबर है मेरा, डॉक्टर व्यास का नंबर 02 है, तो डॉक्टर उदय व्यास से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप कांटेक्ट करें आपको एक्सरे भेज देना है साथ में। तो ये स्क्रीनशॉट आप निकाल के रख सकते हैं। जिनको भी कोई प्रॉब्लम है, नी का, बैक का, स्पाइन का, हिप का, गर्दन का, तो हम लोग आपको ट्रीटमेंट बता देंगे, उसका ओपिनियन दे देंगे और आप समाज का नाम लेंगे, कोई कंसल्टिंग भी नहीं लगेगा। और हमें MCI ने एट प्रेजेंट अलाउ भी कर दिया है, तो हम ये डिजिटल ट्रीटमेंट भी आपको एडवाइज कर सकते हैं। हमें अभी मेजर बड़ी हॉस्पिटल्स विजिट्स करना है, अवॉइड करना है। यदि हम एक्सरे एडवाइज करते हैं तो नियर बाई क्लिनिक्स में आप एक्सरे करके, हमें एक्सरे की पिक्चर वहीं से क्लिक करके मोबाइल से भेज सकते हैं, तो हम उसका ट्रीटमेंट सलाह दे सकते हैं। वैसे ही बैकएक की, शुरू में बिगनिंग में बैकएक है, फिर रेडिएटिंग पेन आके पूरे पैर में स्प्रेड हो रहा है, तब तक हमें वेट नहीं करना है। उसका प्राइमरी कॉज ढूंढ के उसको ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। कुछ एक एक्सरसाइजेज जिनको बैकएक है वो कर सकते हैं। ये सिंपल एक्सरसाइज है, ये कुबड़ निकालना और कमर को दबाना, इससे वर्टिब्री का मूवमेंट होगा तो वर्टिब्री का घसारा कम होगा। वैसे ही दीवार के सारे 1 2 3 मैंने दिखाया कि कैसे आपको कमर की सपोर्ट के सारे, दीवार के सारे ऊपर जाना है, नीचे आना है। ये बैक की सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेज है। ये ब्रीजिंग एक्सरसाइज हर कोई कर सकता है। लेटे लेटे आपको कमर को उठाना है, वापस नीचे लाना है, 10 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर नीचे लाना है। ये बहुत ही सिंपल है, कोई भी सर्जरी हुई है तो भी आप ये एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं। वैसा ही अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके सीने की तरफ लेके आना है। आप लेके आके यदि जो लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है वो यहाँ तक फोरहेड को टच भी कर सकते हैं। दीज आर द सिंपल एक्सरसाइजेस फॉर बैक टू गेट रिलीफ। ये आपको 15 डिग्री पे उठा के 10 सेकंड तक होल्ड रखना है, वापस निकल जाओ, फिर 30 डिग्री, फिर रिलैक्स, 45 डिग्री, फिर रिलैक्स, 60, फिर 90 डिग्री। सेम एक्सरसाइज हमें रेगुलर बेसिस में करना है। ये कोई भी पर्सन कर सकता है, इसमें किसी की कोई एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, आप घर पे भी आराम से कर सकते हैं। आप किचन में खड़े हैं, खड़े खड़े भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। पंजे पे खड़ा होना, पंजे की पैर को
वाइड करना, एब्डक्शन करना, रिलैक्स करना, घुमाना, ये एक्सरसाइजेज हम खड़े खड़े कर लिया तो हिप बैक स्पाइन की सबकी एक्सरसाइज हो गई। वैसे ही किक बैक एक्सरसाइज आप खड़े खड़े कर सकते हैं, लेटे हैं तो भी हिप के लिए, बैक के लिए ये भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। कहने का मतलब है दीज आर द सिंपल एक्सरसाइजेज जो हम आराम से कर सकते हैं। क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, जो पैर नहीं मोड़ सकते कोई दिक्कत नहीं, आपको अपोजिट हाथ और अपोजिट पैर एक साथ उठाना है, होल्ड करना है 10 सेकंड, फिर रिलैक्स करना है। मेरे कहने का मतलब है कोई भी एक्सरसाइज आप करते हो इन बिटवीन 5 सेकंड ब्रेक लेना जरूरी है, नहीं तो मसल स्पाजम आएगा, पेन बढ़ जाएगा। तो हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके बीच में ब्रेक लेना जरूरी है। ये हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, धीरे 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 खींचिए, काफी लोगों को हैमस्ट्रिंग टाइटनेस रहती है। वैसे ही नी के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, अगर किसी के पास में एयर बॉल रहती है आपको घुटनों के बीच में रख के घुटन से दबाना है, घुटन से दबाना है। ये कैसे, देखिए ये मैंने वीडियो भी दिखाया, ये देखिए सिंपल एक्सरसाइज है जिससे आपके घुटनों का दर्द है वो चला जाएगा। तो आप ये नियमित रूप से 20-50 टाइम्स आराम से कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम आती है, मैंने बोल दिया वॉकिंग करना है, वॉकिंग कैसे करेंगे, घुटनों में तो दर्द है, कहाँ से वॉक करेंगे, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आप चेन्नई जैसी सिटी में रह रहे हैं, वहां बाजू में स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में आपको 30 मिनट वॉक करना है, क्योंकि 50% का आंसर आ जाएगा मैं कैसे वॉक करूं, मेरे को स्विमिंग आती नहीं। स्विमिंग पूल में स्विमिंग आना जरूरी नहीं है, आपको नेवल के लेवल पे, कमर के लेवल के पानी में, बच्चों के पूल में वॉक करना है, कोई डरने की जरूरत नहीं। ये मेरा आर्टिकल पब्लिश हुआ था रायपुर में, एक मीटिंग में मैं गया था, तो आप बिलीव नहीं करेंगे 30 मिनट यदि आप पूल में वॉक करते हैं, कोई भी बंदा 1 घंटे जिम करेगा उसके इक्वल आप कैलोरीज बर्न करेंगे। तो हमें क्या करना है, सिंपल पानी के अंदर वॉक करना है, आपका बैक है तो प्रेशर नहीं आएगा, घुटनों में दर्द है तो भी प्रेशर नहीं आएगा, और आप अपनी कैलोरी बर्न कर सकते हैं। तो ये पिक्चर याद रखना है, रेलिंग पकड़ के चलना है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, और आपको कैलोरी भी बर्न हो गई और आपका काम भी हो गया। तो एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट, कोई सी भी एज हो, कोई सी भी एज ग्रुप में हो, हमें अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना ही है। उसमें योगा, मेडिटेशन और आपके टेस्ट के अनुसार जो एक्सरसाइज आपको सूट करती है वो करनी है। लेकिन उससे पहले मैंने बोला है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी ही करनी है। जो एक्सरसाइज इज गुड फॉर यू, वॉकिंग सबसे पहले, स्विमिंग, स्विमिंग पूल में वॉक, साइकिलिंग, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन 30-40% का फिर भी आंसर नो होगा, कहेंगे मैं ये नहीं कर सकता, फीमेल्स के क्या बहाने रहते हैं। तो मैंने ये लास्ट ऑप्शन भी फीमेल्स को दिया है, जो फीमेल्स का इसलिए बोल रहा हूँ 70% फीमेल पेशेंट है जो मेरी बात को मानेगी और प्रॉब्लम उनको सबसे ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, स्टैटिक साइकिल बालकनी में रखना है, और जब आपको टाइम मिले, जिस समय टाइम मिले उस समय बालकनी में ये साइकिलिंग आप कर सकते हैं। लेकिन केतन भाई मैं बात करूंगा आपसे महीने बार बाद में, 10-15 लोग तो इससे साइकिल परचेज कर लेंगे, लेकिन 3 महीने बाद कौन पता चलेगा, उस पे कपड़े सूख रहे होते हैं। तो हमें कपड़े स्टैंड नहीं परचेज करना है, प्रॉमिस पहले लेना है कि परचेज कर रहे हैं तो इसको चलाएंगे, इसका यूज होना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना है, हमें अपने आप को मॉडिफाई करना है और इस स्टेज में नहीं जाना है। हमें पहले ही यंग स्टेज, यंग एज में ही हमें ये अपनी मॉडिफिकेशन, लाइफ का मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। दूसरा कॉन्सेप्ट एक अभी बच्चों में आया है, ड्रीम बॉडी बिल्डिंग। तो मैं आपका कॉन्सेप्ट में एक चीज क्लियर कर दूं, आप जिम जाते हैं उसमें बॉडी शेप कभी चेंज नहीं करने की कोशिश की, आप अपने फिटनेस पे ध्यान दीजिए, फिटनेस मस्ट है। फिटनेस के साथ में आप बॉडी का शेपिंग नहीं कर सकते, आप डू जस्ट डू द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, आपका वर्कआउट,
जेनेटिकली आपके बॉडी का जो शेप है उसको मॉडिफाई करना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि जीन्स के अनुसार आपके बॉडी का शेप होता है। तो रिस्क फैक्टर जो आप चेंज कर सकते हैं, ओबेसिटी आपको ध्यान रखना है, ओवर यूज ऑफ द जॉइंट है उसका ध्यान रखना है, ऑस्टियोपोरोसिस, फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस अराउंड 45-40 के ऊपर जाते ही बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, फीमेल्स का कैल्शियम की कमी, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डी का क्षरण, मतलब हड्डियां भुरभुरी हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो हमें ध्यान रखना है उसकी वीकनेस की वजह से आर्थराइटिस सबसे ज्यादा होती है। कभी भी लंबे समय तक नी ब्रेस नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है, डॉक्टर्स की एडवाइस ले, उस समय तक ही रखना है, ज्यादा समय नहीं रखना। मेडिकल ट्रीटमेंट पेन किलर्स कंसल्टेंट से पूछ के ले, लंबे समय तक लेते ही आपको लीवर किडनी पे इम्पैक्ट आता है। अभी के टाइम में विटामिन सी जो लिम्सी आती है वो आप सब लोग ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। साथ में B12 विद जिंक आता है, वो भी आपकी इम्यूनिटी बूस्टर के लिए ठीक है, आप रोज की एक ले सकते हैं। बाकी कोई भी प्रॉब्लम विदाउट कंसल्टेशन नहीं ले, सबसे जरूरी चीज है फिजियोथेरेपी। आप कोई भी तरह की एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंचर है, हीट है, आइस थेरेपी है, मेलेनिया थेरेपी है, कोई भी थेरेपी आप एक्सटर्नल थेरेपी ले सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। मैं जब बात करता हूँ नी आर्थराइटिस की, हमेशा बोलता हूँ आप अवेयर रहिए, आपका प्रॉब्लम है इमीडिएट कंसल्ट कीजिए, हम लोग उसका राइट टाइम पे राइट डिसीजन क्या है वो हम ओपिनियन देखें। कभी भी ऐसा वेट नहीं कीजिए कि यहाँ तक पहुंचे, पूरा घसारा आ गया, पूरा का पूरा कार्टिलेज घिस गया, तब उसके पास आंसर सिर्फ सर्जरी रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं रहता है। तो हमें टाइमली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। यदि यंग एज है, 45 है और नी का प्रॉब्लम है, तो हमें कंसल्ट करना है। आपको मैं बता दूं, ये R2R टेक्निक से जो मैं सर्जरी करता हूँ, इंडिया में हमारे पास पेटेंटेड है। इस टेक्निक में ना तो कमर में ट्यूब डाली जाती है, ना खून का दौरा रोका जाता है, ना पेशाब की जगह ट्यूब डाली जाती है, ना ऑपरेशन की जगह ड्रेन ट्यूब डाली जाती है, ना ये पिन लगाई जाती है, स्टेपल्स जिसे बोलते हैं। ये सारी चीजें हम इस सर्जरी में नहीं करते हैं, क्योंकि सर्जिकल टाइम ही 15-20 मिनट है। 15 मिनट में हमारी सर्जरी खत्म हो जाती है, ना ज्यादा ब्लड लॉस होता है, ना पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता है, क्योंकि टांके नहीं आते हैं, कोई स्टेपल्स नहीं लगाए जाते, उसकी वजह से पोस्ट ऑपरेटिव पेन नहीं होता है, ना कमर में कोई ट्यूब डाली जाती है। तो ये एडवांस टेक्निक है नी सर्जरी का, और इसकी खासियत ये है कि जहां आपका डैमेज है उतना ही पोर्शन हम चेंज करते हैं, ना कि पूरा का पूरा नी रिप्लेसमेंट। जितना रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से रीसर्फेसिंग टेक्निक से सर्जरी की जाती है, और छोटा सा इंसिजन से ये काम हो जाता है। इसमें जरूरी नहीं है कि हर केस को टोटल नी रिप्लेसमेंट की जरूरत हो, इट्स ए डिफरेंट टेक्निक और इट्स ए यूनिक टेक्निक टू कम आउट विदाउट पेन। सबसे जरूरी चीज है आप सेकेंड थर्ड डे घर आ सकते हैं, 15-20 दिन के बाद में ऑफिस गाड़ी चला सकते हैं। सर्जरी के बाद में यू कैन डू ऑल द नॉर्मल एक्टिविटीज, सारा मूवमेंट आता है, कोई तरह की दिक्कत नहीं होती है। माय प्लान इज टू एमिंग टू मेक इट डे केयर सर्जरी। तो US में हमने शुरू कर दिया, लेकिन इंडिया में अभी भी इंश्योरेंस केयर काफी इश्यू है, इसलिए मिनिमम 45 आवर्स हमें रखना हॉस्पिटल में कंपल्सरी रहता है। US से जब मैं 2009 में आया था, दैट टाइम वी यूज टू कीप पेशेंट फॉर 6 डेज एंड सीवियर पोस्ट ऑपरेटिव पेन। तो अभी वो सब चीज भूल जाइए, जो ये R2R टेक्निक से हम कर रहे हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पेन बिल्कुल नहीं होता है, पेशेंट कैन सिट कंफर्टेबली, कोई तरह की दिक्कत नहीं होती है। तो ये सर्जरी के रिजल्ट है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें राइट टाइम पे डिसीजन लेना है। लाइफ काफी नॉर्मल हो गई है, लेकिन हमें सेफ्टी रखना है। यदि हम ऑफिस जा रहे हैं, पब्लिक में जा रहे हैं, तो हमारे फ्रंट में फेस शील्ड रहना चाहिए, मास्क कंपलसरी है, डिस्टेंसिंग बहुत ही जरूरी है, लेकिन फियर को निकाल देना है, डरना नहीं है,
हम अपने अब नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं तो विद सेफ्टी हमें आगे बढ़ना है, डरने की जरूरत नहीं है। ये हमारे क्लिनिक्स ऑल ओवर इंडिया में करीब 22 प्लेसेस पे हम क्लिनिक रन कर रहे हैं। सर्जरी मेनली जयपुर, कलकत्ता एंड सूरत, इन तीन सिटीज में मैं सर्जरी करता हूँ। और कंसल्टिंग के लिए हम लोग व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। केतन भाई, जो भी मेंबर हो उनको ये नंबर पास ऑन कर सकते हैं, तो आपके संस्था का नाम देंगे तो कोई चार्जेज नहीं होगा और हम उसको एडवाइज कंसल्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो आप लास्ट 6 मंथ ये सर्विसेज पूरे कंट्री वाइज दे रहे हैं, तो अपने मेंबर्स के लिए भी ये फ्री रहेगी। और उदय भाई का नंबर लास्ट में 02 है, तो डॉक्टर उदय व्यास से भी आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर पाएंगे, वो मेरे को कम्युनिकेट कर देंगे। जब भी टाइम होगा मैं वीडियो चैट खुद करूंगा, खुद आपसे डिस्कस कर लेंगे जो भी मतलब पेशेंट है उनसे। तो ये मेरे पर्सनल नंबर भी मैंने डिस्प्ले में डाले हैं, तो आपको कोई रिपोर्ट्स भेजना है तो जब भी मेरे को टाइम होगा मैं डेफिनेटली आपको आंसर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नंबर आप नोट करके रख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाएंगे। जिनको वेरी वेरी डिटेल, इतना माइन्यूटली आपने समझाया कि कैसे होता है, क्या होता है और क्या करना चाहिए, वेरी नाइस ऑफ यू टू टॉक ऑन ऑल दिस एंड डेफिनेटली वी विल बी इन कॉन्टेक्ट एंड इन टच। तो कई लोग आज जुड़ नहीं पाए तो अनफॉर्चुनेटली देव मिस्ड सच ए गुड सेशन। एनीवे थैंक यू वंस अगेन एंड डेफिनेटली आपने जैसे बोला आप हमको फॉरवर्ड कीजिए, हम अपने समाज वालों को सबको फॉरवर्ड करेंगे एंड वी विल सी टू दैट एवरीबॉडी बेनिफिट्स एंड अगर आपसे कोई कंसल्टेशन करना चाहता है तो जरूर करेगा।